नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग BTSC ANM को लेकर बड़ी अपडेट जानने वाले हैं, बहाली प्रक्रिया को लेकर कि आप लोगों की बहाली की प्रक्रिया कब से शुरू किए जाएंगे, कितना समय लगने वाले हैं और BTSC जो काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू किए हैं उसके रिगार्डिंग क्या कुछ अपडेट है, ये सारी जानकारियाँ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और जो भी कैंडिडेट BTSC ANM 10709 का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सारे के मन में एक ही है कि हम लोग की काउंसलिंग की प्रक्रिया या जो बहाली की प्रक्रिया है वो कब से पूरा किए जाएंगे या आगे का प्रोसेस क्या किया जाएगा, क्योंकि अब BTSC ANM वाले को दुविधा में दे दिया है एग्ज़ाम या बहाली। तो इसको लेकर भी अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया कि कब से एग्ज़ाम लिया जाएगा या क्या प्रोसेस किए जाएंगे, उसको लेकर भी BTSC ऑफिशियली नोटिस नहीं जारी किया। काउंसलिंग की यदि हम बात करें तो BTSC ने काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। जैसे कि यदि हम बात करें तो हाल ही के दिन में डेयरी फील्ड ऑफिसर की काउंसलिंग हुए थे, इसके बाद आयुष मेडिकल ऑफिसर का भी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो कि 8 अगस्त से शुरू किए जा रहे हैं, 8 से 10 अगस्त के बीच में चलने वाले हैं, और इससे पहले डेयरी फील्ड ऑफिसर का भी काउंसलिंग की प्रक्रिया हो चुकी है। तो BTSC के पास ये सब जो वैकेंसियाँ थी जो कि 22 के ही वैकेंसी थी, इन सारे को काउंसलिंग का प्रोसेस कर रही है, काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरा कर रही है। और आप सबका जो BTSC ANM वाले थे उनका भी काउंसलिंग इसके बाद होते, लेकिन बीच में जैसे कि नोटिस आया एग्ज़ाम को लेकर, और ऑफिशियली वैसे BTSC की तरफ से अभी नोटिस नहीं जारी किया गया है कि कब से एग्ज़ाम का शेड्यूल किया जाएगा या कैसे क्या इसका पैटर्न रहने वाले हैं। तो BTSC के नोटिस का हम लोग का इंतज़ार है। फाइनली यदि हम BTSC की बात करें तो अभी लेटेस्ट अपडेट BTSC की तरफ से यही काउंसलिंग को लेकर दिया गया है। और वही यदि हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का ऑफिशियली वेबसाइट पर आप लोग देखिएगा तो अभी 5 से 6 अपडेट आप लोगों को बहाली को लेकर देखने को मिलेंगे, जैसे कि पोस्टिंग फ्रॉम वेटिंग लिस्ट ऑर्डर, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, और बहुत सारे पोस्ट को लेकर है। यदि हम बात करें तो इसमें और भी बहुत सारा है, जैसे कि काउंसलर का है, DCM का है, उसके बाद और भी बहुत सारे पोस्टों का इसमें कैंडिडेटों का जो कि शॉर्टलिस्टेड है, पोस्टिंग ऑर्डर है, वो जारी किया गया है। तो इसमें आप लोग स्वास्थ्य विभाग की ऑफिशियली वेबसाइट पर ये चेक कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, और ये आपको इजीली स्वास्थ्य विभाग की ऑफिशियली वेबसाइट पर नोटिस बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे इनका। और सारा डिटेल्स अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो जैसे इनकी रिगार्डिंग और भी जो अपडेट है वो अपडेट किए जाएंगे जो स्वास्थ्य विभाग की ऑफिशियली वेबसाइट पर, तो वो सारी जानकारियाँ हम आपके साथ साझा करेंगे। तो BTSC को लेकर हम लोग का जो नोटिस का इंतज़ार है तो बहुत जल्द आप लोगों को नोटिस देखने को मिलेंगे बहाली को लेकर कि क्या कुछ करने वाले हैं बहाली को लेकर, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी ज़्यादा है, जैसे कि 10,000 पर बहाली होने हैं तो उसके लेकर लगभग 50,000 प्लस फॉर्म फिल हुए हैं, इसलिए उसमें थोड़ा सा समय भी ले रहा है और अच्छे से निर्णय किए जा रहे हैं कि एग्ज़ाम लिया जाएगा तो किस तरीके से उसका पैटर्न किए जाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग अभी ऑफिशियली जो BTSC आयोग है उनकी तरफ से ऑफिशियली नोटिस नहीं आए हैं, और ऑफिशियली नोटिस जैसे जारी किए जाएंगे सारी जानकारियां आपके साथ निश्चित ही साझा करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।